पटना को अलग अलग थीम बेस्ड पेंटिंग से बनाया जा रहा है खूबसूरत, सामने आई तस्वीरें। झारखंड सरकार के पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा ने हेमंत सरकार पर बोला हमला, कहा मौजूदा कार्यकाल में भ्रष्टाचार चरम पर। पटना में 2.5 एकड़ की भूमि पर 87 करोड़ की लागत से बनेगा एसएसबी भवन, हुआ शिलान्यास। पीएलएफआई के एरिया कमांडर श्रवण दास उर्फ फगुआ दास को खूंटी पुलिस ने किया गिरफ्तार। यूपी के प्राइमरी स्कूल में शिक्षकों द्वारा चप्पलों से पीटे जाने के बाद रोने लगे प्रिंसिपल। झारखंड के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन और सीएम हेमंत सोरेन ने आदित्य L1 की सफलता लॉन्चिंग पे इसरो को दी बधाई। उदय कोटक ने कोटक महिंद्रा बैंक के सीईओ व एमडी पद से दिया इस्तीफा। ट्विंकल खन्ना ने हासिल की अपनी मास्टर्स की डिग्री, अक्षय ने कहा आप पर गर्व है। कनाडा ने भारत के साथ व्यापार समझौते पर बातचीत रोकी। अखिलेश को डिंपल की चिंता, सोनिया को राहुल की चिंता, ये कहे कि नेशनल पार्टी है नड्डा। बिहार के कोर्ट परिसर में हुई फायरिंग मामले में 3 लोग अरेस्ट, 60 लाख में हायर किए थे शूटर। रोहित और विराट को एक ही पारी में बोल्ड आउट करने वाले पहले गेंदबाज बने शाहीन अफरीदी। घरेलू सहायिका को महाराष्ट्र में 5 दिन तक बाथरूम में रखा गया बंद, दागे गए प्राइवेट पार्ट्स।